अवई अष्टमी सब जानते हैं कि संतान के सुख और हित के लिए माताएं रखती हैं ये व्रत जिनके संतान नहीं हुई तो संतान सुख के लिए जिनके संतान हैं वो दीर्घायु और स्वास्थ्यमय हों इस बार आठ नवंबर रविवार को अवई अष्टमी है जो सुबह सात बत्तीस से प्रारंभ हो जाएगी और अगले दिन सुबह तक रहेगी लेकिन जो सूर्योदनी तिथि जो अगले दिन 9 नवंबर की है वो मान्य नहीं होगी क्योंकि ये शाम की और रात्रि भी आपने क्योंकि त्यौहार ये तारों से संबंधित है इसलिए निश्चित रूप से आठ की ही होगी एक कि ये चली आती कि जिस बार को दिवाली होगी उसी बार को आठे होगी ऐसा बिना गणना के ही कहा जाता है तो इसको ध्यान रखिए ये कोई गणना नहीं होती ग्रामीण क्षेत्र में जो नहीं इस तरह का ज्ञान रहता था पहले तो इसलिए ये मिसाल मान लिया जाता था इसलिए कथा चली आ रही है कि जब जिस बार को दिवाली उस बार को आठ है लेकिन इस बार ऐसा नहीं है दिवाली चौदह नवंबर की है और अष्टमी आठ नवंबर की है इस बार पुष्य नक्षत्री है और जिसमें रवि योग रवि पुष्य योग शुक्ल योग सर्वार सिद्धि योग आदि पांच महायोगों से मिलकर बना है पंच महायोग जो अत्यंत ही शुभकारी है और संतान के यशमान प्रतिष्ठा दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये योग बन रहा है इस बार एक सबको ये ध्यान देना है कि कोई गर्भवती कोई महिला है या रोगिणी महिला है उन्हें कठोर व्रत नहीं करना उदार व्रत करना है यानी कि अनाज मुक्त व्रत करना है लेकिन फल दूध वगैरह जरूर ले लेना चाहिए क्योंकि शिशु पे कुप्रभाव पड़ सकता है भूखे प्यासे रहने से तो हम यदि इस तरह की सब व्यवस्थाएँ करके व्रत करते हैं तो ये शुभ कार्य होगा स्वास्थ्य के लिए मंगल जीव मंगलमय जीवन के लिए भी अब ये पूर्वोत्तर दिशा में संध्या समय अष्टकोणीय पूजा ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि इसमें आठ अंक का विशेष महत्व है एक तो अष्टमी है अष्टकोणीय है साहू माता की कथा आवश्यक है कि जिसमें साहू माता और उनके सात बच्चे इनको जरूर पूजित करें उनका आशीर्वाद ज़रूर लें और साहू माता को लाल चुनरी और अपने को भी लाल चुनरी यदि पहनकर पूजा की जाती है उड़ कर की जाती है तो उनका वरदान आठ गुना बढ़ जाता है इसी प्रकार तारों को अर्ध्य देकर ये व्रत खोलना चाहिए और बायना सासू माँ या कोई भी प्रौढ़ा को आप बायना निकाल कर दें और उनको भी चरण छू के आशीर्वाद लें इस प्रकार ये अवई अष्टमी इस बार जो रविवार है वो हमारे लिए भी और हमारी संतान के लिए भी शुभकारी हो सके शुभतम योग जो पूजा का है शाम संध्या समय वो छः बजकर छः मिनट से छः बजकर पैंतालीस मिनट तक का है वैसे तो जो मूर्त है वो पाँच पच्चीस से शुरू हो जाएगा और सात पैंतीस तक रहेगा लेकिन फिर भी जो श्रेष्ठतम मूर्त है वो संध्या छः बजकर छः मिनट से छः पैंतालीस तक का है बहुत बहुत शुभमय मंगलमय हो और ही अष्टमी शुभकामनाएं